सूबे के समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन राम दास बुधवार को जनपद रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ संचालित योजनाओं की समीक्षा की है। और इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को कार्यों में कोताही न बरतते हुए सभी को तय समय सीमा में करने के निर्देश भी जारी किए हैं। समय पर टेंडर और DPR प्रक्रिया पूरी कर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने की सख्त हिदायत उनके द्वारा दी गई है। समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी विभाग की ओर से लापरवाही बरती जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री चंदन ने बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के तहत जल संस्थान और सिंचाई विभाग के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल दिलाना सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का लाभ अंतिम गांव और व्यक्ति तक तभी पहुंचेगा जब सड़कों की स्थिति ठीक होगी। इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को जिले में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल ने की रिपोर्ट। आज संगठन की ओर से मुझे यहाँ का प्रभारी के रूप में अधिकारियों के साथ केंद्र पोषित योजना, राज्य स्तर की योजना और जिला योजना की समीक्षा बैठक करने का अवसर मिला। जो भी धनराशि अवमुक्त हुई है उसका विभागों ने समुचित उपयोग किया है और जिन विभागों ने उसका उपयोग नहीं किया उनको चेतावनी दी है कि उसका जल्दी उपयोग करें।